नैनीताल में एक सीसीटीवी फुटेज ने परिवार के होश उड़ाकर रख दिए हैं। फुटेज में साफ दिख रहा है कि दो जगह भवन स्वामी के पीछे पीछे वयस्क गुलदार आधम का है। आपको बता दें, नैनीताल में मे विला कंपाउंड में रहने वाले सेवानिर्मित प्रोफेसर धनेश चंद्र पांडे ने अपने घर के कुछ हिस्सों में सीसीटीवी कैमरा लगाए हुए हैं। बता दें, क्षेत्र में लोग अक्सर गुलदार दिखने की चर्चा किया करते हैं। लोगों ने जंगल से लगे हुए ओल्ड ग्रोव से गुलदार को आते जाते कई बार देखा है। बता दें, जो फुटेज अभी सामने आया है वो मई के पहले हफ्ते में रिकॉर्ड हुआ था। वही रिकॉर्ड हुए इस वीडियो को जब परिवार ने बीते दिन चेक किया तो सभी के होश उड़ गए। यहाँ वीडियो में दिख रहा है कि प्रोफेसर का बेटा उत्पल पांडे जैसे ही रात 10 बजे घर के आंगन में एक कमरे से दूसरे कमरे में जा रहा है तो उनके पीछे पीछे एक गुलदार भी वैसे ही सीढ़ी चढ़ता हुआ दिख रहा है। इसके अलावा घर के आंगन में भी चंद मिनट पहले उत्पल के पीछे पीछे गुलदार आ धमकता है। वही घबराने वाली बात यह है कि दोनों बार गुलदार कुछ सेकेंडों के अंतर में ही आ रहा है और इस खूंखार जानवर से परिवार को बहुत खतरा बन चुका है। वही परिवार अब वन विभाग से गुलदार को पिंजरे में बंद करने की मांग कर रहा है। उत्पल के ठीक बगल में पड़ोस में रहने वाले नवीन तिवारी ने बताया कि वो देर रात दुकान से घर लौटते हैं और अब उस वीडियो को बाद अब उन्हें डर लगने लगा है।